मैं आदमपुर हूं। मेरा जन्म 1966 में हुआ था। अपने 53 वर्षों के जीवन में मैंने कई बदलाव देखे। आज जो मेरी चित्र आप देख रहे हैं, पहले मैं ऐसा कभी नहीं था। अब मैं आपको अपनी आत्मकथा सुनाऊं। ये कहानी है मेरे 53 सालों के सफर की, पिछड़ेपन से प्रगति के सफर की। मेरा बचपन कई मुश्किलों से गुजरा। बंजर जमीन, रेगिस्तानी इलाका, बिजली पानी का अभाव, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ। परंतु मेरी दयनीय अवस्था को देखकर एक लाल का खून खोला। एक ऐसा लाल जिसकी अथक परिश्रम की वजह से मेरी तस्वीर और तकदीर में परिवर्तन आया। इन्होंने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के सारे हरियाणा में बराबर विकास करवाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, गुरु जम्बेसर यूनिवर्सिटी हिसार और आदमपुर में कॉलेज, आईटीआई, हॉस्पिटल, गांव में जगह जगह हाई स्कूल, इतने इन्होंने काम कराए। ऐसी शख्सियत, वैसे उनको देखने में लगता है वो कोई देवी शक्ति थे। ऐसे महापुरुष जो जमीन से जुड़े नेता मैंने हिंदुस्तान में ऐसे पहले कभी नहीं देखे। इस महान व्यक्ति ने मेरे लोगों की पीड़ा को समझा और एक अति मानव की तरह उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। मेरे लाल की सूरत सीरत थी ही कुछ ऐसी कि वो एक अजनबी से भी पल में गहरा रिश्ता जोड़कर उन्हें अपना बना लेता था। एक ही पल में उनकी दिल की बात जानकर उनकी मुश्किलों का हल निकाल लेता था। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वर्गीय जननायक चौधरी भजनलाल मिला, जिसकी बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान में मेरा रुतबा है, मेरी पहचान है। अगर किसी भी नौजवान के, बुजुर्ग के उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया ना, वो उन्हीं का हो गया। इतना तप था उनके अंदर। जैसे देखा ना, कुलदीप जी को ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनका तो तरीका ही अलग था। मेरी उन्नति के लिए चौधरी भजनलाल ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। उनके विकास का कलम निरंतर चलता रहा। FGM कॉलेज, ITI, वाटरवर्क्स, चौपाल स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी, इन सभी पर चौधरी भजनलाल का नाम है। भजनलाल ने मुझे और मेरे लोगों को हमेशा अपना परिवार समझा और आज इस परिवार की मिसाल हिंदुस्तान के कोने कोने में दी जाती है। भजनलाल ने हर हाथ को रोजगार दिया, खालों का निर्माण किया, सड़कों का जाल बिछाया, हर घर हर ठानी में बिजली पानी पहुंचाई, हर गांव में विद्यालय खोला, उन सभी चीजों का निर्माण किया जो बाकी देश में कई साल बाद आई। जहां तक आदमपुर की बात है, जब पूरे हरियाणा में बड़े बड़े शहरों में सीवरेज नहीं थी, तब सन 80 के दौरान यहां मंडी आदमपुर नई मंडी में सीवरेज लाइन डली, डिस्पोजल हुआ और लोगों को बड़ी मतलब राहत महसूस हुई। उसके दौरान उनके दौरान सड़कों का जाल बिछाया गया, नई बसों की खरीदारी हुई और लोगों को नए नए रोज़गार मिले, जिससे इस एरिए के अंदर समृद्धि आई। ये सही हकीकत है जी, ये बिल्कुल है। मंडी के अंदर जो सेट बनवाया, वे किसानों की समस्याओं को देखते हुए बनवाया, क्योंकि किसानों का अनाज बर्बाद होता था। यहाँ आते थे और कोई साधन नहीं थे, और ये चोर साहब की देन ही है। भजनलाल की निगाहें सदा आदमपुर पर थी और उनकी सोच दूरदर्शी। मेरा लाल बेशक आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु वो अमर है, मेरी उपजाऊ धरती की फसलों में, मेरे विकास की ईंटों में, मेरे बच्चों की मुस्कुराहट में, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद में। भजनलाल आज भी आबाद है। भजनलाल का वो स्वर्णिम काल था जहां चारों ओर खुशहाली और रौनक थी, लेकिन हमारे दुश्मनों को यह खुशी हजम नहीं होती। समय समय पर मेरे परिवार में दरार डालने का षड्यंत्र रचा जाता है, मुझे अकाल में धकेलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरी सुरक्षा के लिए चौधरी भजनलाल
अपनी छवि के रूप में एक नई उम्मीद दे गए। अपने बेटे, मेरे बेटे के रूप में कुलदीप बिश्नोई। मैं बिल्कुल चल रहे ने उनके कुलदीप बिश्नोई, मतलब इतने मतलब छाए हुए नेता हैं, युवा नेता जनता में, और इतना ही चौधरी साहब प्यार करते थे, इतना ही कुलदीप बिश्नोई प्यार करते हैं जनता से, और जनता भी करती है, क्योंकि सुबह मिल लिए, दोपहर मिल लिए, शाम को भी 8-9 बजे बाहर से आते हैं, नहीं इतने लाइन लगी रहती है, भाई कुलदीप जी आए, कुलदीप जी आए। और ये अपना पूरे हरियाणा को अपना परिवार समझते हैं, पूरा का पूरा 36 बरादरी के अंदर कोई भेदभाव नहीं किसी के साथ में। एक वीर पुत्र की तरह कुलदीप पिछले 32 वर्षों से मेरी देखभाल कर रहा है, मेरे मान सम्मान को आगे बढ़ा रहा है, मेरे लोगों की सेवा कर रहा है। ईमानदार, संघर्षशील, मेहनती कुलदीप अकेले अपने दम पर मेरी और आपकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरे बेटे पर लाठी बरसी, वो षड्यंत्र में घिरा, उसने धोखा खाया, वो झूठे प्रचार का शिकार हुआ, यहां तक कि वो मौत से भी लड़ा, परंतु उसके हौसले आज भी बुलंद हैं, क्योंकि भजन लाल की वो बताई हुई बात आज भी उसके जहन में गूंजती है कि बेटे, आदमपुर मेरा परिवार है, इनका हमेशा ख्याल रखना। भजनलाल जी भी लड़ाई चले मर लिए तो, और सब ने भाई माने है, गिने ताऊ बिन ताऊ माने है, खानदान माने आपको, और खानदान है भी जी इनको, कोई कौम को है भी नहीं खानदान, सब ने भाई बोल कहाँ खानदान मान के बोले हो, और अगला भाइयों प्रेम करे है, और दर्शन ये भाई बहुत प्रेम करे है लोगों हूँ, सब अगला एक तरफ राके है। कुलदीप ने मेरी और आपकी सेवा में कभी कमी नहीं आने दी, बिजली, पानी, रोजगार, कानों की मशीनें, अफसरों पर दबाव, सरकार का घेराव, कुलदीप हमारे लिए सबसे आगे रहता है। मुझे भरोसा है कि जिस दिन कुलदीप की सरकार बनेगी, वही खुशहाली एक बार फिर लौट आएगी, और वो दिन दूर नहीं है। कुलदीप जी बहुत ही साफ छवि और ईमानदार किस्म के नेता हैं, जो अपने आदमपुर के लिए पिछले 32 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। पीछे 1996 तक चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ पर विकास कार्य करवाए हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, सभी उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं। उनके बाद में आज तक जैसे हमारे ये जवाहर नगर है लाइन पर, वहाँ कोई काम नहीं हुआ है, सीवर व्यवस्था है वो वैसी ही ठप पड़ी है। अब चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, खेल के कार्य हो, हर क्षेत्र में वो लगे हुए हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने अपने MP कोटे से यहाँ पर CCTV कैमरा लगवाए हैं, और सामाजिक कार्यों में उन्होंने बच्चों के कानों की मशीनें वगैरह भी उपलब्ध करवाए हैं। बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे थे जिनके दिल में छेद थे, उनको दिल्ली हॉस्पिटल में ले जाकर उनके ऑपरेशन भी करवाए हैं। हर प्रकार के कार्यों में कुलदीप जी हमेशा आदमपुर की जनता के लिए रात दिन तैयार रहते हैं। मेरे जीवन के इस नाजुक मोड़ पर मुझे अपने बेटे कुलदीप की जरूरत है, क्योंकि एक वही है जो हमारा स्वर्णिम दौर लौटा सकता है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। क्या आप अपने भविष्य को संवारने को तैयार हो? क्या आप अपने लिए एक नया इतिहास लिखने को तैयार हो? इसे पाने के लिए हमें चाहिए केवल एक रणनीति, जागरूकता। जागरूकता जो सच और झूठ की परख करे, जो अपने और पराए की पहचान करे। कुलदीप जी युवा के बारे में, सब के बारे में सोचते हैं। कुलदीप जी बहुत बड़े विद्वान नेता हैं। कुलदीप जी ने चंडीगढ़ में जाके लाठियां खाई तो किसके लिए? आदमपुर की जनता के लिए। कुलदीप जी ने रथ यात्रा की तो किसके लिए? आदमपुर की जनता के लिए। कुलदीप जी बहुत संघर्षशील नेता है, हमें पूरा विश्वास है। कुलदीप भाई साहब में चौधरी भजनलाल जी की छवि रूप दिखाई देता है। आज कुछ विरोधी ताकतें मेरी पहचान को मिटाने में जुटी हुई हैं। आपके ध्यान को भटकाकर, झूठ बोलकर मुझे तबाह करने में जुटी हुई हैं। मगर इन ताकतों को शायद पता नहीं कि हमारी बुनियाद इतनी कमजोर नहीं है। आने वाली 21 अक्टूबर को मेरे बेटे को चुने, कुलदीप को चुने, आदमपुर को चुने, ताकि मैं, आप और हमारा परिवार सुरक्षित रह सके।
विकसित हो सके, सक्षम बन सके। मैं आदमपुर यह जिम्मेदारी आपको सौंपता हूं।